अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जंगल में जा रहा था, उसका पूरा सामान था उसके पास। अब जंगल आज के जैसा मत सोचो, महाबलेश्वर के यहाँ सब होटल मिल जाएंगे, वहां तो ऐसा है कि जंगल में आप गए तो कोई चीज मिलने वाली नहीं है, डेजर्ट में जो जंगल होते थे। तो उसका वो ऐसा थक गया तो सोने के लिए लेटता है, तो ऊंट सामान के साथ क्या हो जाता है, अब वो उठता है, अब देखता है कि नहीं है, पूरा ढूंढ रहा है, चक्कर काट रहा है, नहीं मिल रहा, थक जाता है। अब क्या सोचता है मालूम है, कि अब मेरे लिए कोई चांस बचने का या नहीं है, क्यों कि खाने को नहीं मिलेगा, सफर के लिए सवारी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर कोई होटल हो जा चले जाऊं, तो इसी परेशानी में मायूस होकर बैठ जाता है। तो ऐसा थका हुआ रहता है, लेटा ही रहता है, तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो दूर से देखता है ऊंट क्या हो रहा है, उसके पास आ रहा है, तो इतना खुश हो जाता है कि वो ये कहता है कि यानी अल्लाह ताला को मुखातिब होकर ये कहता है कि मैं तेरा खुदा हूं, रब हूं, और तू मेरा क्या बंदा है अल्लाह। तो अल्लाह ताला आता है हदीस में मुस्कुराता है, यानी और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे से भी ज्यादा जिसको ऊंट मिलने की खुशी हुई, उससे ज्यादा उस लड़के या उस आदमी में खुश होता है जिससे गलती हो जाए लेकिन क्या हो जाए, पलट कर आ जाए कि अल्लाह ताला मैं तेरा बंदा हूं, मेरे से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, तू मुझे क्या कर दे, माफ कर दे, और मेरे रास्ते को क्या कर दे, सही कर दे। तो इंसान को कभी भी शैतान इस तरह बहकाता है कि अब चल तेरे तो ये रास्ते पे चला गया, अब क्या है, नहीं, अल्लाह ताला पहाड़ जैसे गुनाहों के साथ भी बंदा आता है तो उसको क्या कर लेता है, माफ कर देता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आज हमें मालूम हुआ अब मेरे अंदर कोई खामी है तो मैं फौरन क्या करूं, तौबा करूं। और सेकंड ये करना चाहिए कि अगर अपनी आदतों की इस्लाह नहीं हो रही तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी ऐसे शख्स से मिलना चाहिए जो आपको गाइड कर सकता हो, बड़ा हो, कि भाई मेरी ये मिस्टेक है, मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी के पास भी सहाबी ऐसे आते थे, तो उसके जरिए क्या होगा कि उस गाइडेंस से आप उस बुराई से क्या हो जाएंगे। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास नौजवानों के जो इस तरह इस राह में रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सही गाइडेंस के जरिए क्या हो गया, वो बच गया और बी इंजीनियरिंग और क्या क्या उन्होंने कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि इंसान उससे नहीं हट सकता, ये कोशिश कीजिए। और हर नमाज में अल्लाह ताला से क्या कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तूने मुझे जवानी दी, तूने मुझे सेक्सुअल एनर्जी दी, तू ही इसकी हिफाजत का तरीका भी मुझे क्या कर बता। तो अल्लाह ताला जो बंदा अल्लाह से मांगता है, बचना चाहता है, अल्लाह ताला उसको क्या करता है, जरूर बचाता है। मैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया बताऊं आपके सामने दोबारा, कि देखिए वो भी आप ही के जैसे जवान थे, खूबसूरत थे, और जब वो महल में उस वजीर की बीवी उनको बुराई के लिए बुलाती है तो वो किसकी पनाह में जाते हैं, कहते हैं वो औरत ये कहती है कालत है तलत, आ जा मेरे पास बुराई के लिए। तो कहते हैं काला माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की क्या चाहता हूँ, पनाह चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनको बचाया कि नहीं, इसी तरह अल्लाह ताला हमें और आपको भी बचा सकता है अगर हम बचना चाहें। एक और प्रैक्टिकल चीज ध्यान रखिए, कॉलेज लाइफ में आप या कोई काम करता हो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो अपोजिट सेक्स से ना मिले, आपके कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं, कोई बुक मांगता है, कोई और चीज मांगता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि तन्हाई में मिलने से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर वो आपको फोन पे बुला रही है तो आप किसी दो दोस्त के साथ उसके पास मिलने चले जाइए, क्या काम है भाई आपने बुलाया, है ना। कभी भी अकेले मिलने की कोशिश ना कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब दो अकेले लोग होते हैं तो तीसरा बीच में क्या होता है, अब आप जब इंडिविजुअल होंगे तो चाहे लड़की हो या लड़का, बड़े इम्कान है कि शैतान आपकी सेक्सुअल एनर्जी के जरिए क्या कर दे, आपको मिसगाइड कर दे और आप गुनाह की तरफ बढ़ जाए। तो ये भी एक तरीका है बचने का। सेकंड चीज ये करना चाहिए कि जैसे भी उस लड़की से मिले तो फौरन उसको अपनी बहन का बना दीजिए, ये बोलिए कि आप मेरी सिस्टर हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आया और उसने जानते हैं क्या सवाल किया, बोले अल्लाह के रसूल मेरी सेक्सुअल ताकत इतनी है कि मेरे से जिना जैसा गुनाह नहीं रुक सकता। मैं अब देखो अल्लाह के नबी चाहे बात ऐसी है कि गुस्सा होना चाहिए था ना, तो उसको क्या कहा कि बोले मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, क्या तुम अपनी बहन के साथ ये काम करना चाहोगे। तुम गुस्सा है उसको, बोले ऐसे कैसे होगा, या बोले तुम्हारी किसी बहन के साथ कोई ये परमिशन मांगे तुम दोगे, तो बोले मैं तो उसकी गर्दन तलवार से उतार दूंगा। तो कहा सुनो, जिसके साथ तुम ये काम करोगे वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की रिलेशन में होगी, तो फौरन उसकी बात क्या होगी, समझ में आई। तो आप जब ये रिलेशनशिप मुतय्यन कर लेंगे ना कि ये मेरी सिस्टर है, तो आपके जज्बात क्या हो जाएंगे, उसके जज्बात भी सही हो जाएगा, आपका भी सही हो जाएगा।
लेकिन आप हंस बोलकर आंखों में देखते रहोगे तो दोनों की तरफ सेक्सुअल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेंगी और इंसान गुनाह की तरफ जाता है। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो ये चीज कीजिए, अल्लाह आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। वो आखिर दावाना अनिल।